क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक एक हमें एक बॉक्स दिया जिसमें क्या है कि थ्री यहाँ पे क्या ब्लू बॉल्स दे रखी हैं ब्लू वाइट और क्या दिया यहाँ से ये रेड दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करना है कि ये हमें यहाँ से तीन थ्री ब्लू दिया हुआ है और टू व्हाइट दिया है और हमें यहाँ से क्या फोर रेड दिया हुआ है तो हमें यहाँ से क्या करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि क्या होना चाहिए यहाँ पर कि ये वाइट होनी चाहिए या फिर नॉट ब्लू होनी चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉर्वल्स नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ये नाइन हो जाएगा तो हम यहाँ से कह ले सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा यहाँ से पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल केस कितने हो जाएंगे यहाँ से पॉसिबल आउटकम्स मतलब कि अभी तो हम कूड़े में से एक वॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ से ये नाइन सेवन आ जाएगी तो क्या कहलाएगा यहाँ से ये तो हो गया पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल सैम्पल इसमें कितने केस हो सकते हैं हमने उसको लिख लिया लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या चाहिए फर्स्ट केस की बात करें फर्स्ट केस में हमसे यहाँ बोल रहा है कि क्या होना चाहिए वाइट होनी चाहिए तो वाइट हमें यहाँ पे कितना दे रखा है टू दे रखा है तो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ नंबर ऑफ आ जाएगा यहाँ से इसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं एन ऑफ ई से डिनोट करते हैं एन ऑफ ई से और यहाँ पे नंबर ऑफ क्या हो जाएगा फेवरेबल केस फेवरेबल केस मतलब हमें जो चाहिए वो क्या कहलाएगा यहाँ से फेवरेबल केस नंबर ऑफ फेवरेबल केस या आउटकम्स तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा ये कितनी चाहिए दो में से एक चूज करना तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये यह टू सी वन आ जाएगा तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा फेवरेबल केस अपान में हो जाएगा यहाँ से क्या टोटल केस हो जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ से एन ऑफ ई तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए टोटल केस कितना है फेवरेबल केस क्या है यहाँ से टू सी वन है और टोटल केस यहाँ पे कितना है नाइन सी वन है तो जब इसको हम यहाँ सोल्व करें टू सेवन वैल्यू टू होगी नाइन सेवन की वैल्यू क्या होगी नाइन होगी तो हमें क्या मिल जाएगा टू में नाइन आ जाएगा फिर इसी तरीके से हम सेकंड केस की बात करते हैं सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि नॉट ब्लू नॉट ब्लू तो अगर ब्लू नहीं होगी तो क्या हो सकती है आइदर ब्लू आइदर क्या हो जाएगी वाइट हो जाएगी प्लस और, और मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा या फिर क्या हो सकती है यहाँ से ये रेड हो सकती है तो जब यहाँ से मैं इसको वाइट मतलब कि हम क्या ले सकते हैं यहाँ से कि व्हाइट कितनी है टू है रेड कितनी फोर है यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ये टू हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा ये फोर हो जाएगा वाइट और रेड तो हम यहाँ पे क्या करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस नंबर ऑफ फेवरेबल केस है आउटकम्स इस केस के लिए हम यहाँ से क्या ले सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू एन बी तो सेकंड केस इसलिए इसको हम एन बी ले लेते ले हैं तो हमें ये तो हम दो में से एक चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से ये टू सी वन हो जाएगा प्लस में हो जाएगा फोर सी वन तो हम यहां पे क्या मिल जाएगा पी ऑफ ई की वैल्यू आ जाएगी पी ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एन ऑफ बी

मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर